हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है। लिंक ट्यूटोरियल की ये मेरी सेवेंथ वीडियो है। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से लिंक में क्वेरी एक्सप्रेशन का यूज़ करके अपने सोर्स को, मींस जो भी हमारे एरे हैं या लिस्ट है, इन सोर्स को हम किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। इसके साथ साथ मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का भी डिस्कशन किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, एंड एंड और ऑपरेटर को हम लिंक में किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में मैं ट्रैवर्सिंग के दूसरे पैटर्न को डिस्कस करना चाहती हूँ। लिंक में हमें बहुत सारे एक्सटेंशन मेथड्स प्रोवाइड किए हैं अपने डेटा को ट्रैवर्स करने के लिए। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन मेथड की बात करूँ, तो एक्सटेंशन मेथड्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टैटिक मेथड, बट दे आर कॉल्ड एज इफ दे वर इंस्टेंस मेथड ऑन द एक्सटेंडेड टाइप। मीन्स हमारे ये कुछ स्टैटिक मेथड्स हैं, मींस एक्सटेंशन मेथड हमारे स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, बट एक्सटेंशन मेथड की ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि हम इसे जिस क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हैं उस क्लास के इंस्टेंस के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे लिंक के जितने भी एक्सटेंशन मेथड हैं वो आई इनूमरेबल और आई इनूमरेबल टी, यानी कि जेनेरिक और कलेक्शन दोनों के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, और हमारी जितनी भी क्लासेज है, जैसे कि लिस्ट हो गया, एरे हो गया, इन सभी क्लासेस ने इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इन क्लासेस के इंस्टेंस के साथ हम लोग अपने एक्सटेंशन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास यहां पर एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मैंने डिक्लेयर की हुई है, जिसमें मैंने कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल एंटर की हुई है। इसी के साथ साथ मैंने एक एरे भी डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें मैंने कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो लिए हुए हैं। अगर आपको ये मींस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इंटीजर एरे को ट्रैवर्सल आपको नहीं आता लिंक में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए। अपने इस वीडियो में मैं वेयर एक्सटेंशन मेथड को डिस्कस करना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि एक्सटेंशन मेथड में हमें जो पैरामीटर पास करना पड़ता है वो पैरामीटर हम लैम्डा एक्सप्रेशन देते हैं। तो अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन भी नहीं मालूम है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में लैम्डा एक्सप्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेयर एक्सटेंशन मेथड की। सबसे पहले काम करते हैं अपने एरे के साथ। अब अगर मैं इस एरे के ट्रैवर्सल की बात करूं तो मुझे इस एरे में वो नंबर्स सेलेक्ट करवाने हैं जो कि मेरे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपना एक आउटपुट डिक्लेयर किया जो कि मुझे मिलेगा एक आई इनूमरेबल इंटीजर टाइप का रिजल्ट लिया। अब रिजल्ट में मैंने क्या कहा, मुझे किसके साथ काम करना है, मुझे मार्क्स के साथ काम करना है। मार्क्स एक एरे का इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के साथ मैंने यूज किया अपने वेयर एक्सटेंशन मेथड को। अब यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा अपना लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे पहले पास करते हैं इनपुट पैरामीटर। लेट सपोज मैंने कहा कि x मेरा इनपुट पैरामीटर है, देन लैम्डा ऑपरेटर। अब इस लैम्डा ऑपरेटर के बाद मुझे पास करनी होती है अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि आप क्या टास्क करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर जो मेरा x है वो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 आ जाता है तो मुझे ये इस डेटा को सेलेक्ट करके लेकर आना है, ठीक है। अपने इस पेज पर मैंने एक ग्रिड व्यू ऐड कर रखा है, आप देखिए मेरे यहाँ पे ग्रिड व्यू एडेड है। तो मैं इस एरे को ग्रिड व्यू में प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया ग्रिड व्यू 1.dataSource=result, ग्रिड व्यू 1.dataBind। अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखिए मेरे इस डेटा में सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो कि मेरा है 88। तो आप देखिए उसने मुझे 88 लाकर यहां पर दे दिया। अब सपोज अब मैं कहती हूं कि मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो मैंने यहां पे इसे इंप्लीमेंट किया नॉट इक्वल टू 0, तो उसने मुझे सारे ऑड नंबर लाकर दे दिए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं। अब अगर मुझे यही काम लिस्ट के साथ करना है, लिस्ट के साथ मींस मुझे वो कैंडिडेट का डेटा सेलेक्ट करवा के लेकर आना है जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में मैंने लिया यहां पे आई इनूमरेबल। मुझे जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा स्टूडेंट टाइप का, मैंने लिया एस टी
या चलो सेम इंस्टेंस ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, अब मुझे काम करवाना है किसके साथ, स्टू के साथ, तो स्टू में मैंने यूज किया किसको, अपने वेयर क्लॉज को, यहाँ पे मैंने पास किया एक पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर, तो यहाँ पे जो x है वो किस टाइप का है, जो x है वो मेरा स्टूडेंट टाइप का है, तो मैंने यूज किया x डॉट नेम डॉट स्टार्ट विद r, क्लियर। अपने कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए उसने मुझे वो सारे रिकॉर्ड लाकर दे दिए जो कि मेरे आर के साथ स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, क्लियर। अपने इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था कि हम वेयर एक्सटेंशन मेथड को कैसे यूज करते हैं। लिंक के अंदर हमारे बहुत सारे एक्सटेंशन मेथड है, जैसे कि ऑर्डर बाय, देन बाय, और हमारे एग्रीगेट फंक्शंस भी हम लोगों को दे रखे हैं, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, इसी के साथ साथ टेक, टेक वाइल, स्किप, स्किप वाइल, तो बहुत सारे एक्सटेंशन मेथड्स हैं जो हमें लिंक के अंदर दिए हुए हैं। उन सभी एक्सटेंशन मेथड्स को मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके डिस्कस करूंगी। हम अभी ये जितने एक्सटेंशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये सब एक्सटेंशन मेथड हम लोग लिस्ट के साथ और एरे के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी डिस्कस करूंगी, मीन्स लिंक टू एसक्यूएल डिस्कस करूंगी, तो इन सारे मेथड्स को हम डेटाबेस के टर्म्स में कैसे यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।